मुझे कोई इतला ही नहीं दी जाती है, कोई सूचना नहीं दी जाती है। मैं भिवानी के अंदर हूँ, कोई ये भी नहीं है कि मैं कहीं इधर उधर हूँ, भिवानी में हूँ। तो इतना तो बनता है प्रत्याशी का कि वो जो है हमारे को सूचना दे, लेकिन उनके दफ्तर से कोई सूचना नहीं आती है। बार बार मैंने उनको लगातार मैं फ़ोन करती हूँ, फ़ोन जो है मेरे उठाए नहीं जाते हैं। कल भी मैंने फ़ोन करा 3-4 बारी, जब लोहानी में थे वो दीपेंद्र के साथ, तब भी मैंने फ़ोन करा कि मुझे बताइए कि मैं कहाँ हूँ, पर फ़ोन तो उठाया नहीं ना। आज सुबह भी मैंने करा ये पूछने के लिए, फिर भी फ़ोन नहीं उठाया। तो इस तरह से जो है हमारे साथ बर्ताव किया जा रहा है। मेरे को इतला करे जाए, मेरे को बुलाया जाए, पर ना तो मेरे को बुलाया जाता, इतला ही नहीं करी जाती, बुलाने की तो बात छोड़िए। तो इस तरह की जो है बेइज्जती जो है ये बार बार जो है मेरी और श्रुति की कर रहे हैं। अब भिवानी में मीटिंग होती है, वहाँ पे हुड्डा जी आते हैं, हमारे को वहाँ की भी इतला नहीं करी जाती। औपचारिकता रूप से जो है श्रुति चौधरी यहाँ से XMP हैं, बुलाना तो चाहिए ना। मैं हरियाणा के अंदर CLP लीडर रह चुकी हूँ, मुझे कहते इतला होनी चाहिए, वो तक नहीं बुलाई जाती। तो इस तरह से बेइज्जती जो है वो बार बार ये लोग कर रहे हैं, और ये सोचते हैं कि इनको बिल्कुल ही खत्म कर दो, मार डालो। तो बात ये तो अब जनता तो देख ही रही है क्या हो रहा है। अब दुख हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है दिल में, जिस तरह से हमारे साथ बर्ताव करा जा रहा है।